हेलो, वेलकम बैक टू बिलेट स्टडी जोन। अभी इसके पहले हम अभी तीत के बारे में बता दिए थे। तीत के बारे में 3D के हिसाब से सब कुछ अच्छे से दिखा दिया है। यहाँ पे अब दिखाएंगे टॉन्स यानी जीभ के बारे में और ये टॉन्सिल के बारे में आज पढ़ना है, जो कि हमने ये टॉन्सिल होता है तो उसका फिगर भी दिखा देंगे आपको पिक्चर के हिसाब से। तो ये टॉन्सिल, टॉन्सिल हमारा जो जीभ होता है, जीभ पूरी तरीके से मांसपेशी से आधारित होती है। ये एक मांसपेशिक संरचनाएँ होती हैं। इसका काम रहता है, इसमें स्वाद कलिकाएं होती है। क्या आती है? स्वाद कलिकाएं होती है, जिसके कारण हमको स्वाद का पता चलता है। ये कौन कौन सा स्वाद का पता चलता है? कड़वा, मीठा, नमकीन, सॉल्टी, ये सब चीज़ के बारे में पता चलता है। जो तीखा स्वाद होता है, ये कोई स्वाद, तीखा स्वाद कोई नहीं स्वाद होता है। इसका काम होता है कोशिकाओं का धीमा जलना। सबको पता होता है हमारे शरीर में एकदम छोटी छोटी कोशिकाएँ होती है, वैसे ही जीभ में भी कोशिकाएँ होती हैं। तो वही जीभ पे कुछ भी खाते हैं तीखापन, तो कोशिका जलता है। जलने के कारण वहाँ पे तीखा लगता है, ये कोई स्वाद नहीं होता है। कहीं हाथ हूथ में भी कभी कुछ मतलब खाना तीखा ले लिए, चाहे कुछ कर लिए मसाला वगैरह, तो तीखा की तरह इसमें जलने लगता है। या फिर कहीं भी मिर्चा उर्चा काट दिए, आँख मुँह धो लिए, तो यहाँ पे कोई स्वाद थोड़े ना होता है। फेस में मिर्चा हाथ से काटे और आँख ओखी से छू दिए तो यहाँ पे तीखा लगने लगता है। क्यों लगता है? यहाँ पे तीखा कोई स्वाद थोड़े, स्वाद कलिकाएं थोड़े ना होता है फेस में, हाथ में, पैर में, ये इसलिए जलता है। ये तीखापन, तीखा उस यहाँ पे जितने भी कोशिकाएं हैं उस पर ये तीखापन पड़ जाता है, जिसके कारण वो जलने लगता है। इसी को हम कहते हैं कि तीखापन, यही होता है कोशिकाओं का धीमा जलना। तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट को देख लिए। उसके बाद ये स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये स्वाद का निर्धारण करता है, स्वाद का निर्धारण करता है। ये अलग अलग स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। हम अभी बताए थे कोशिकाओं, जो ये हमारा टंग से जीभ होता है, जीभ में अलग अलग स्वाद होता है। स्वाद के लिए अलग अलग, ये स्वाद के लिए अलग अलग स्वाद के लिए ये जिम्मेदार होता है। कौन? जीभ। ये जो होती है स्वाद, उम्र के साथ घटती रहती है। मतलब हमारा एज इतना है तो हम मान लीजिए इतना नमक खाते हैं तो काम चल जाता है। तो हमारा जितना एज बढ़ेगा ना, तो इतना नमक से काम नहीं चले, और ज़्यादा लेना पड़ेगा, और ज़्यादा लेना पड़ेगा। यही होता है कि उम्र जितना बढ़ता है तो हमारा स्वाद कुछ कलिकाएँ हैं वो घटते चले जाते हैं। इसीलिए स्वाद का अच्छे से पता नहीं चलता है, तो हम लोग ज़्यादा वहाँ पर नमक खाने लगते हैं। हमारे यहाँ दादा दादी होंगे, उन लोगों को ज़्यादा तेज नमक डाल के देना पड़ता है सब्जी या फिर कुछ भी। उन लोगों को उम्र के साथ कुछ ये जो टेस्ट होता है वो घट चुका रहता है। ये उम्र के साथ क्या होता है? उम्र के साथ स्वाद घटती रहती है। तीखापन अभी बताएं कोई स्वाद नहीं होता है। इस ये क्या करता है? कोशिका का धीमा जलना, मतलब कोशिका का धीमा जलने को ही हम क्या कहते हैं? तीखापन। अब यहाँ पे हम एक जीभ बना लिए, मतलब जवान बना दिए। जवान में एक पार्ट यहाँ से बांट दिए, ये ऊपरी वाला पार्ट जो कि ये स्वीट होता है, स्वीट होता है मतलब मीठा, यहाँ पे मीठा का पता चलता है। और जो ये वाला पार्ट हमने दिखाया है नीचे से, आप लोगों को 3D में दिखाई देगा, ये आगे वाला नीचे से होता है ना, ये ऊपर से ऐसे में करते हैं तो इधर से ये स्वीट होता है, मतलब इधर से ये स्वीट होता है। लेकिन ये वाला जो हो गया ना, ये ऊपरी परत, मतलब ये साइड से ये देखिए, ये ऊपर वाला भाग गया, अब ये सामने हो गया इस तरह से। यही होता है हमारा सॉल्टी, इसमें रहता है सॉल्ट, मतलब सॉल्ट टेस्ट का पता चलता है, नमकीन के बारे में पता चलता है। यहाँ पे ये उसके ऊपर, ये हमारे ऊपर से देखते हैं तो ये स्वीट रहता है इसमें, इधर से एक भाग इधर बना दिए और एक उसी साइड से अपोजिट साइड में ये बना दिए। तो यहाँ पे जो हम लोगों का कोशिकाओं का स्वाद के बारे में पता चलता है, यहाँ पे क्या खट्टे, मीठे, नमकीन, ये तीनों स्वाद का पता चलता है हमारा यहाँ पे तीनों स्वाद का पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है। और बचे ये ऊपर वाला भाग जिसको बेटर बोलते हैं, बेटर मतलब कड़वा, जिसमें ऊपर वाला भाग मतलब ये पीछे वाला है, तो यहाँ पे कड़वा रहता है। बेटर मतलब कड़वा, मतलब कुछ भी खाते कड़वा टेस्ट जो रहता है ना, तो वहाँ पे कड़वा लगने लगता है। तो ये हमारा टेस्ट हो गया, यहाँ पे नमकीन हो गया, मीठा और खट्टा पता चलता है इधर इधर। सबसे नीचे वाला ये हिस्सा है जिसका स्वीट मीठा पता चलता है।
और उसके बाद ये वाला ऊपरी परत जो है हमारे जीभ, मान लीजिए इतना मोटा है, तो ये वाला भाग ऊपरी परत है ना, इस सामने वाला परत, तो इस पे हमारा सॉल्टी पता चलता है, सॉल्ट के बारे में पता चलता है। इसमें तो चलता ही है ये मीठे खट्टे नमकीन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉल्टी टेस्ट पता चलता है, ऊपर वेटर मतलब कड़वा पता चलता है। ये जो बीच वाला ये जो बचा ना, यहाँ पे कोई स्वाद नहीं होता है, नो टेस्ट लिखे ना यहाँ पे, यहाँ पे कोई स्वाद नहीं होता है। हमारे जो जीभ की, जो जीभ को अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको ऐसे दिखाई देगा, हमारे जीभ को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से हमारा जीभ दिखाई देता है, इसी में सब टेस्ट ये सब जाता है। तो हम यही होता है टेस्ट कलिकाएं, इसी में कोशिका भी होता है, टेस्ट कलिकाएं भी होता है, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। ये हम जीभ के बारे में यहाँ पे खत्म, अगर टॉन्सिल के बारे में पढ़ा देते हैं ये, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद टॉन्सिल बताते हैं। अभी हम जबान के बारे में देख लिए, उसका टेस्ट भी देख लिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं यूला। यूला के काम यही रहता है कि जो हमारे यहाँ पे रहता है ना, काला सा दिखाई देता है बीच में, ऐसा हम आँख किए थे, ये काला सा दिखाई देता है बीच में लटका हुआ, यही होता है यूला, जिसका काम रहता है खाना का दिशा प्रदान कर देना। यह खाना तुम इधर जाओ और खाना तुम इधर जाओ, ये सिर्फ दिशा प्रदान कर देता है। बहुत लोगों में सोते समय अगर ये सोता है ना, तो ये यूला इस तरह होता है, लंबाई बढ़ जाती है, सोते समय उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक। तो लंबाई बढ़ने के कारण आदमी सांस लेता है, अगर अंदर से सांस छोड़ता है ना, तो यही यूला सांस छोड़ता है, तो ऊपर ये कठोर तारु में टकराता है, उसी टकराने के कारण कुछ आवाजें निकलती है, जिसे हम खड़ाटे कहते हैं। इसका यूला का बस यही काम होता है कि जी सब सिर्फ दिशा, भोजन का दिशा प्रदान करना, और अगला ये सोते समय इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण हम मनुष्य जो सांस छोड़ता है तो ये कठोर तालु से टकरा जाता है, टकराने का कारण कुछ आवाज निकलती है, उसे कोई आवाज निकलती है उसी को हम कहते हैं खड़ाटे। तो यूला में बस यही पढ़ना है, अभी इसका क्लास आज का कंप्लीट हुआ, अगले डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।